बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का फ़ातिमा रेसिपीज़ में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ मटर पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही इजी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए हम बनाते हैं मटर पुलाव। मैंने यहाँ पर मटर पुलाव बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन गैस पर रख दिया है और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भरकर घी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक चक्री फूल और एक दालचीनी का टुकड़ा, एक जावित्री का टुकड़ा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 3 लौंग, 3 हरी इलायची भी डाल दी है और साथ में एक बड़ी इलायची, 1 टीस्पून शाहजीरा भी डाल दिया है और इसी के साथ इसके अंदर 1 तेज़पत्ता भी ऐड कर देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि तेल में मसाले की खुशबू अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर मसाले भून चुके हैं और इसके अंदर अब हम 3 कप भरकर पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने 2.5 कप चावल आधे घंटे पहले भिगो लिया था, तो उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर हम 1/2 नींबू का रस ऐड कर देंगे। और साथ में हम इसमें 1/2 कप मटर भी ऐड कर देंगे और मटर के साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर नमक भी ऐड कर दिया था। तो मटर डालने के बाद हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आने लगा है, मटर भी हमारे गल चुके हैं और अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे और हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट करेंगे। तो पानी में भी उबाल आ गया है और हम इसे एक बार इस तरह से चला देंगे और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, जिससे कि हमारा मटर पुलाव अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। बीस मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा मटर पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए। और हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करते हैं। हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है, जो बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग इसे किसी भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम।